हेलो पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त, बिंदास, फर्स्ट क्लास, चकास। तो गाइज, हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज, हमारे पबजी मोबाइल में अब तो पबजी हम लोगों को धीरे धीरे करके नए नए कैरेक्टर देता ही जा रहा है। जैसे कि पहले हम लोगों को यहाँ पे सारा दे दी थी, कहा गई कैरेक्टर के अंदर हम लोगों को यहाँ पे पहले सारा दी, उसके बाद दिया था यहाँ पे विक्टर, तो उससे पहले दिया था, उसके बाद दिया हम लोगों को कार्लो, और कार्लो के बाद एंडी। ठीक है, तो गाइज़ अब यहाँ पे जितने भी रियल कैरेक्टर, जितने भी यहाँ पे पबजी के कैरेक्टर है, उसमें से मैंने सारा का आप लोगों को रियल कैरेक्टर दिखाया था। ठीक है, सारा कौन से कैरेक्टर से लिया गया है वो मैंने आपको दिखाया ही था। उसके बाद भी मैंने कार्लो पे बहुत सर्च किया, लेकिन उसके रिलेटेड मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन हमारा जो एंडी आया है नया नया, ठीक है, जो एंडी नया नया आया है वो किससे लिया गया कैरेक्टर है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। गाइज, बहुत सर्च करने के बाद फाइनली मुझे एंडी का कैरेक्टर मिल चुका है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्रिएट में जाके, मैं आपको अच्छे से उसका सब कुछ दिखा पाऊँगी। क्रिएट में एंडी में हम लोग चलेंगे, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इसके हेयर देखिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसके ध्यान से हेयर देखिए। तो गाइज, ये हेयर यहाँ पे इमेज के अंदर देखिए, सेम टू सेम आपको लग रहा है कि नहीं? यहाँ पे टोटल दो इमेज है मेरे पास हेयर की, तो इस इमेज के अंदर आप लोग देखिए आप लोगों को सेम टू सेम हेयर दिख रहे हैं कि नहीं, मतलब कि लग रहे हैं कि नहीं, लग रहे हैं ना? तो गाइस, कैरेक्टर कौन सा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, सबसे पहले आप लोग उसके हेयर देखिए, उसके आउटफिट देखिए, सब कुछ यहाँ पे देखिए, बाद में हम लोग कैरेक्टर की बात करेंगे कि कैरेक्टर किससे लिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग आउटफिट देखोगे, तो ये वाला आउटफिट देखिए, अलग अलग इसके जितने भी आउटफिट है वो सब सेम है, सिर्फ कलर चेंज है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं वन बाय वन इमेज दिखा रही हूँ, उससे रिलेटेड आप लोग देखिए कि ये जो इसने आउटफिट पहने है वो सेम है कि नहीं इस इमेज से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इमेज देखते जाइए और इधर के साइड आप लोग आउटफिट देखते जाइए। और यहाँ पे ये वाला आउटफिट देखोगे ना आप लोग ब्लू कलर का, तो ये तो देखिए थोड़ा थोड़ा इसके जैसा सेम ही लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं? उसके बाद ये नीचे इसको आप लोग देखिए, रुक जा, हमें डांस नहीं देखना। इसका देखिए आप लोग नीचे के साइड इसका पैंट वेंट देखोगे तो इसका सेम आउटफिट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद भी बहुत सारे आउटफिट है, आप लोग यहाँ पे वन बाय वन देख ही सकते हो। तो गाइज, यही रियल कैरेक्टर है। ठीक है, इसी कैरेक्टर से एंडी का कैरेक्टर लिया गया है। तो अब आप लोग इसकी फुल इमेज देखिए, अच्छे से देखिए, और मुझे बताइए कि आप लोग इसको जानते हो कि नहीं? जानते हो क्या आप लोग इसको? अच्छा, जो जो जानता है उनके लिए सही है, लेकिन जो नहीं जानता उसको मैं बता दूं कि गाइज, ये जो रियल कैरेक्टर लिया गया है वो जॉनी डेप से लिया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसके हेयर, आउटफिट सब कुछ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जॉनी डेप करके है, उससे हमारा रियल कैरेक्टर लिया गया है। अब ये कैरेक्टर बहुत फेमस है, आप लोगों ने समुद्री लुटेरे देखे हैं ना, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी देखी है आप लोगों ने, वही हमारा ये हीरो है जॉनी डेप। तो सबसे पहले गाइज, इसकी हम लोग जन्म की बात कर लेते हैं, मतलब बॉर्न 9 जून 1963 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये पैसे से देखने जाए तो एक अमेरिकन एक्टर है, प्रोड्यूसर है और म्यूजिशियन भी है। ये सबसे ज़्यादा फेमस मूवी के लिए है अपनी, वो भी कौन सी मूवी? कैरेबियन ऑफ पायरेट्स मूवी। और गाइज, आपने इसकी टोटल मूवी देखी होगी, तो आज तक इसकी कैरेबियन और पार्ट्स की टोटल 5 मूवी बन चुकी है। उसमें से आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ देख ही लीजिए, जो फर्स्ट मूवी है वो है पायरेट्स कैरेबियन द कोर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल, और ये मूवी 2003 में आई थी। उसके बाद आप लोग सेकेंड मूवी देखोगे तो है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैंस चेस्ट, ये आई थी 2006 में। उसके बाद आप लोग मूवी देखोगे तो है 2007 में आई थी उसकी मूवी थर्ड, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड्स ऑफ द एंड। ठीक है, मूवी वही है, उसके टोटल पाँच पार्ट आ चुके हैं। उसके बाद आप लोग फोर्थ पार्ट देखोगे तो है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन अ स्ट्रेंजर टाइड्स, जो 2011 में आई थी। और उसकी लास्ट वाला पार्ट है फिफ्थ पार्ट, वो अभी 2017 में आया था, जो कि यहाँ पे है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन टेल्स नो टेल्स, यही करके है। तो इसकी ऐसी टोटल 5 आ चुकी है। और गाइज, आप लोग मानोगे नहीं, ये जो इसकी मूवी आई है इससे रिलेटेड तो इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, बेस्ट इंटरनेशनल एक्टर, बेस्ट मेल परफॉर्मेंस, बेस्ट कॉमेडिक परफॉर्मेंस, फेवरेट मेल कैरेक्टर,
बेस्ट फॉरेन एक्टर, फेवरेट ऑन स्क्रीन कपल, उसके बाद चॉइस मूवी एक्शन, मतलब कि पीपल चॉइस होती है ना, उसका भी इसको अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एक्टर इन द लीडिंग रोल का भी इसको मेन अवार्ड मिल चुका है गाइस। तो गाइज यही कैरेक्टर है जिससे हमारे पबजी ने लिया है एंडी का कैरेक्टर। और आप लोगों को पता ही है एंडी कैरेक्टर देखने जाए तो पैसे से एक वही है ना, क्या है ये, पपेट मास्टर है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास समुद्र लुटेरा जो है जॉनी डेप, उसकी यहाँ पे इमेज भी है पपेट की, तो ये इमेज भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज था ना वीडियो इंटरेस्टिंग, मैंने आप लोगों को पहले सारा का भी कैरेक्टर दिखाया था रियल वाला, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरी चैनल पर चेकआउट कर लो, फर्स्ट वीडियो ही आप लोगों को सारा का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एंडी भी दिखा दिया कि आखिर रियल में एंडी कैरेक्टर किससे लिया गया है। और गाइस बात साथ ही में मुझे अगर कार्लो की भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो भी मैं आप लोगों के सामने ज़रूर से लेके आऊँगी, ठीक है। जैसे ही मुझे कार्लो की कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो भी आपको ज़रूर से मैं दे दूँगी। और गाइज एक बात और, कि आप लोगों ने मुझे बोला था कि मोनिका जी आप लोग आप अपनी गेम प्ले की चैनल बनाओ, लेकिन उस पर गाइज मैंने गेम प्ले की चैनल भी बनाई, उस पर मुझे आपका बिल्कुल भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, इसलिए अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मुझे वो चैनल बंद ही करनी पड़ेगी। फिर भी देखते हैं, अगर आप लोग अभी भी मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं और नए नए गेम प्ले के वीडियो ज़रूर से लाऊंगी। तो चले गाइस फिर ये वीडियो में इतना ही था, बहुत मेहनत करने के बाद ये मेरा वीडियो बना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो का लाइक करके अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इतनी मेहनत के लिए आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो मेरे चैनल को, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।